गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी लोग? और आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे अपने अपने घरों में। सो मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैं बना रही हूँ, मतलब कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। ये एक बहुत बड़ा ना जोक बन के रह गया मेरे लिए कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। तो वैसे थंबनेल में मैंने यही लगाया कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, वो इसलिए कि आप लोग देखें और उसके पीछे जो सच्चाई है, मतलब जो मेरी सच्चाई है, वो आप लोगों को पता चले। तो इसमें आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया और वो एक बहुत बड़ा जोक बन के रह गया है, तो आपको इससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आप वीडियो मेरी पूरी देखना, इससे आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा। और जो न्यू यूट्यूबर्स है ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरह ना वो इस तरह काफी चीजों से अभी अनजान है, क्योंकि मैं भी एक न्यू यूट्यूबर ही हूँ। तो अभी मुझे सिर्फ 7 महीने ही हुए हैं व्लॉगिंग करते हुए, और स्टार्टिंग में काफी कुछ मुझे भी नहीं आता था। स्टार्टिंग के 10-15 दिन मुझे भी सीखने में ही लगा है, तो बहुत अच्छे से मैंने सीख लिया है सब कुछ। वीडियो कैसे एडिटिंग करते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, और अब मैं चुटकियों में ये सब काम कर लेती हूँ। बट ये जो चीज है ना, जो कैसे मतलब वॉच टाइम पूरा होता है और कैसे कहाँ पर हम देखते हैं इस चीज को, तो इस चीज से मैं अनजान रह गई, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। मैंने सोचा कि यार जो चीज मैं देख रही हूँ कि इस चीज ये वॉच टाइम हमारा होता है, और ये कंप्लीट जब हो जाएगा 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, मतलब 1000 सब्सक्राइबर तो मेरे एक मतलब 2 महीने में कंप्लीट हो गए थे, बट जो वॉच टाइम है वो मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो वॉच टाइम कंप्लीट होने में ना, वैसे भी यार एक ना मुझे ऐसा लगता है कि एक लक चलता है हमारा, कि मतलब ऐसे कुछ भी मतलब कोई ना बहुत अच्छा भी बनाता है, बहुत मेहनत भी करता है ना उसके पीछे, तो उसका भी वायरल नहीं होता व्लॉग या फिर शॉर्ट्स। लेकिन कोई कुछ ना नॉर्मली बनाएगा ना, उसमें कुछ भी नहीं होगा। बट मैं देखती हूँ ऐसा कि यार उसमें कुछ भी नहीं होता है, बट वो कैसे वायरल हो जाता है। तो बस यही है कि उसमें एक मतलब हमारा लक भी चलता है, और दूसरा हमारी मेहनत। तो मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, जैसे मैं भी लगी हूँ 7 महीने से, मैं भी बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, और हर कोई करता है यार। मेहनत कर रहा है तभी सफलता उसको मिलती है। तो मुझे बस आपको ये बताना है कि जो गलती मैंने 7 महीने में करी है, वो गलती आप ना करो। और हो सकता है कि अगर ये गलती मैं नहीं करती तो मेरा चैनल अभी तक मोनेटाइज हो भी जाता। तो एक्चुअली हुआ ऐसा कि मुझे जो लगता था ना कि ये वॉच टाइम है, तो वो वॉच टाइम था नहीं, वॉच टाइम कुछ और था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, प्रैक्टिकली वो चीज दिखाऊंगी। तो मेरे पास दूसरा मेरा फोन तो है नहीं, तो मैं अपने हस्बैंड के फोन से ही आपको दिखाऊंगी कि क्या मैंने गलती करी, क्या मैंने जो चीज जो समझी वो आप ना समझ रहे हो ऐसा। क्योंकि अगर आप भी वही चीज समझ रहे हो तो फिर आगे चलकर ना, जैसे मैं आज बहुत ज्यादा परेशान हूँ, तो आपको भी परेशानी हो सकती है। क्योंकि ना 2-3 दिन पहले मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया था, जो मुझे लग रहा था कि मोनेटाइज हो गया है। तो 4000 घंटे मेरे हो गए थे, तो बस मुझे लगा था यार चलो फाइनली यार 7 महीने में मतलब हुआ तो सही, 7 महीने में ही सही तो हुआ। तो बस मैं ना बहुत ज्यादा खुश थी, मेरे हस्बैंड भी बहुत ज्यादा खुश थे। और तो फिर उसके बाद ना मुझे प्रोसेस नहीं पता था कि 4000 जब घंटा पूरा हो जाता था, उसके बाद हमें क्या प्रोसेस उसके बाद होती है। तो हमें खुद से कुछ अप्लाई करना पड़ता है या हमें मेल आता है। तो फिर मैंने काफी लोगों से पूछा था और YouTube में मैंने सर्च किया, तो उसमें ये पता चला कि 4000 जब हमारा घंटा हो जाता है तो उसके बाद हमें मेल आती है, एक मेल आती है। तो उसके बाद फिर हम अपने एडसेंस पिन के लिए अप्लाई करते हैं। तो वो तो मतलब एक बहुत लंबी प्रोसेस है, बट मुझे लगा था कि चलो मैं एक सीढ़ी तो पार कर चुकी हूँ, 4000 घंटा मेरा हो गया है, अब मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस फिर उसके बाद क्या हुआ, बस मैं ये सोचने लगी कब मुझे मेल आएगी, कब मुझे मेल आएगी। और ऐसे ही करते करते ना देखते ही देखते 48 घंटे हो गए। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया यार कि 48 घंटे हो गए और मेल क्यों नहीं आया अभी तक मुझे। तो फिर मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई, और इतनी ज्यादा मैं टेंशन में आ गई कि ना मुझसे घर के काम हो रहे, ना मैं किसी और चीज में मन लगा रही हूँ, और जो भी काम कर रही हूँ वो उल्टा सुलटा हो जा रहा है। और मुझे अपना शॉर्ट्स, अपना जो व्लॉग है उसको डालना था, उसकी एडिटिंग करनी थी, और मैं वो भी नहीं कर पा रही थी। मतलब मैं इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी, इतनी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी कि बस मैं वही सोचने में लगी थी कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। तो मैं उसी के पीछे लगी थी, मतलब पूरा टाइम ना मैंने अपने ये खराब कर दिया। फिर उसके बाद एक मेरी फ्रेंड है, तो वो भी यूट्यूब में चैनल मतलब उसका है, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो मैं वॉच टाइम समझ रही थी वो वॉच टाइम एक्चुअली है ही नहीं। वो वॉच टाइम किस चीज का है, शॉर्ट्स और जो व्लॉग हम बनाते हैं, दोनों चीज, वीडियो और शॉर्ट्स, उस दोनों का वॉच टाइम वो है। और जो एक तरफ लिखा होता है ना व्यूज, और एक तरफ लिखा होता है वॉच टाइम, तो व्यूज तो शॉर्ट्स के होते हैं,
और जो वॉच टाइम लिखा हुआ है वो शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो का दोनों का मिलके वो जो वॉच टाइम होता है हमारा वो है। और जो वीडियो का लॉन्ग वीडियो का जो हमें टारगेट अपना कंप्लीट करना पड़ता है 4000 घंटा या फिर 10 मिलियन, तो 10 मिलियन तो यार बहुत किस्मत वालों का होता है कि इतनी जल्दी हो जाए। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं यार, कोई वीडियो हमारी वायरल नहीं जा रही है, कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं वॉच टाइम से मतलब अपना ये वीडियो से ही अपना वॉच टाइम कम्प्लीट कर लूँगी। तो अब मुझे यही नहीं पता था कि जो क्राइटेरिया मतलब हमें देर खा है कि इतना हमें वो जो ब्लू लाइन होती है ना वो हमें पूरी करनी पड़ती है 4000 घंटे तक, तो वो हमें पूरा ब्लू करना है, जब पूरा ब्लू वो हो जाता है तो तब हमारा पूरा हो जाता है। तो मुझे वो पता ही नहीं था क्योंकि अर्न का ऑप्शन में मैं देखती ही नहीं थी, क्योंकि मुझे लगता था कि अर्न का ऑप्शन तो तब होता है जब हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो मैं ना उसे खोलती ही नहीं थी उस अर्न वाले ऑप्शन को, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं ये तो अब मेरा अभी है ही नहीं, मतलब मुझे अभी ये देखना ही नहीं है तो मैं इसे खोल के क्या करूंगी। तो बार बार जब मैं YT स्टूडियो ओपन करती थी तो वहीं पर जो वॉच टाइम आता था मैं उसको समझती थी कि ये मेरा वॉच टाइम है। तो बस वही है कि यार जो गलती मैंने करी ना ये गलती आप मत कीजिएगा, बहुत बड़ी गलती मैंने कर ली अपने 7 महीने। मतलब मैंने क्या करती थी ना, मैं ऐसा करती थी कि एक एक दिन छोड़ के, दो दो दिन छोड़ के, कभी कभी 3 दिन छोड़ के अपने व्लॉग डाल रही थी। अब मुझे लग रहा था कि कोई नहीं मतलब मेरा टारगेट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आराम आराम से ही बनाती। तो मैं ना बहुत ज्यादा नेस्ती सी हो गई, बहुत आलसी सी हो गई मैं। तो बस वही है कि ये गलती आप ना करें। अगर मैं शुरू से ही डेली व्लॉगिंग करना शुरू कर देती, डेली का व्लॉग डालती और मैं इतनी लाइटली नहीं लेती इस चीज को, तो हो सकता है कि आज मैं 4000 नहीं भी हुए थे तो कुछ तो मेरा हो गया होता, आधा ही हो चुका होता। बट पता मेरा ना अभी आधा भी नहीं हुआ है, मेरा अभी 2000 भी नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है मेरा। तो बस वही वाली चीज है, आज मैं बहुत ज्यादा मतलब मुझे इतना ज्यादा बुरा लग रहा है अंदर से। और इस वीडियो को बनाने का मोटिव मेरा सिर्फ ये है कि जो न्यू यूट्यूबर्स हैं जिन्हें नहीं पता, अभी नॉलेज ही नहीं है, तो उन्हें पता चले एक्चुअल में कि जो गलती मैंने करी वो गलती वो ना करे और मेरी तरह वो इतने ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि सीरियसली मैं कितना परेशान हुई हूँ मैं जानती हूँ। और अभी भी मतलब अंदर से इतना मन दुख रहा है, बहुत ज़्यादा मन दुख रहा है कि यार ऐसे कैसे हो गया, ऐसे मैंने क्यों ध्यान नहीं दिया। बट वही है कि कोई नहीं, जो किस्मत में होना होता है देखो वो तो होता ही होता है। बाकी मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ कि आगे मुझे सक्सेस मिले। और वैसे भी यार जब हम YouTube चैनल स्टार्ट करते हैं ना तो हम इसीलिए स्टार्ट करते हैं कि चलो हम डेली डेली काम करेंगे तो कभी तो कुछ होगा, कभी तो हमें कुछ मिलेगा, कभी तो हमारा कोई व्लॉग कोई शॉर्ट्स वायरल होगा। तो बस ऐसे करते करते ना मतलब हम करते ही जाते हैं बस, तो हमें ना मतलब होप नहीं छोड़नी है अपनी। बाकी बस मैं लास्ट में आप सभी लोगों से यही बोलूंगी कि आप लोग बस जो भी न्यू यूट्यूबर्स हैं उनके लिए मेरा एक यही मैसेज रहेगा कि अगर आपने अपना YouTube चैनल खोला है तो बस उसमें काम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और डेली, ये नहीं कि आप 2 दिन छोड़ रहे 3 दिन छोड़ रहे, नहीं। तो ये कहीं पर नहीं लिखा होता है, कभी नहीं पता होता है कि हमारा कब कोई व्लॉग या शॉर्ट्स वायरल हो जाए। तो बस आप काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ। अगर आपने सोचा है कि हमें यहाँ से यहाँ पहुंचना है तो बस उसके लिए तो मेहनत ही चाहिए। बाकी अगर आपको कोई भी मतलब इसमें अगर आपको प्रॉब्लम है अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कमेंट करके मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। और अभी कुछ आपको नहीं समझ में आया तो होता है यार, नहीं समझ में आता है, शुरू में मुझे भी काफी टाइम लगा था ये सब चीजें समझने में मतलब। तो बाकी आप लोगों के संग भी हो सकता है ऐसा कि नहीं इतनी जल्दी समझ में आए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मतलब कमेंट कर सकते हो। दूसरा, आप अगर आपको वीडियो के थंबनेल या एडिटिंग इन सब से कोई प्रॉब्लम है, आपको मतलब कोई टेक वाले चैनल में नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि सबका अलग अलग तरीका होता है ना समझाने का, तो अगर आपको लगता है कि मैं आपको ये समझा सकती हूँ, ये नॉलेज आपको मैं दे सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट करके मैं नेक्स्ट वीडियो यही बना लूंगी कि चलो मुझे भी लगेगा कि यार मैंने किसी की हेल्प कर दी, क्योंकि यार जैसे मैं हूँ तो स्टार्टिंग में मैं भी यही सोचती थी कि यार बस कोई मेरी हेल्प कर दे, मुझे कोई समझा दे कि ये कैसे होगा ये वो कैसे होगा, वो तो चलो मैं बहुत जल्दी सीख गई। और YouTube में चैनल बनाने से मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी डाल दें। देखो अभी भी मैं YouTube मतलब का ही काम कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ या फिर कभी मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ कुछ भी, ठीक है। तो अभी मैं बिना पंखे के बैठी हूँ, अगर मैं पंखा चला दूंगी इतनी तेज आवाज करने लग जाएगा कि मेरी आवाज ना आप तक पहुंचेगी नहीं। तो हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है, हमें ऐसी जगह चूज करनी पड़ती है आपसे बात करने के लिए कि जहां पर थोड़ा सा भी शोर ना हो, बाहर की आवाज अंदर ना आए। तो ये सब चीजें होती हैं। थोड़ा सा अभी मेरे पास माइक नहीं है, फिर भी मतलब
माइक नहीं है तो लेकिन मेरी जो वॉइस है आप तक पहुंच रही होगी बहुत अच्छे से, तो बस यही सब चीजें ना हमें ध्यान देनी पड़ती है। तो यूट्यूब में काम करना बिल्कुल भी आसान बात नहीं है, हमें बहुत ज्यादा अपना टाइम देना पड़ता है। जैसे मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो आप लोगों को पता है मेरी तरह बहुत सी हाउसवाइफ हैं जो यूट्यूब चैनल चला रही हैं, तो उन्हें पता होगा है सुबह 5 से 6 बजे से उठकर हम पूरा दिन मतलब इन्हीं सब चीजों में लगे रहते हैं। पहले से तो आधा दिन हमारा इन्हीं सब चीजों में निकल जाता है घर के काम में, उसके बाद 7 से 8 घंटे ना कम से कम हम यूट्यूब में अपना लगाते हैं कि कभी चलो व्लॉग बनाना है, शॉर्ट्स बनाना है, इसकी एडिटिंग करनी, थंबनेल एडिटिंग, और थंबनेल में सबसे ज्यादा टाइम जाता है। कम से कम 4 से 5 घंटा हमें डेली चाहिए एडिटिंग और थंबनेल बनाने के लिए। तो यार यूट्यूब में काम करना ना कोई भी आसान बात नहीं है यार। काफी लोग ना जो नहीं करते होंगे काम को उनको लगता हुआ यार क्या करते हैं ये सब चीजें करते हैं ये वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बट नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो उसके साथ अगर मुझे दिन के 3-4 घंटे अपने मिल भी रहे ना तो मैं इधर फालतू फालतू की चीजों में ध्यान ना देकर ना अगर मैं किसी चीज में लगा रही हूँ, ठीक है मैं आज सक्सेस नहीं होंगी कल को होंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं अपना टाइम इसमें दे रही हूँ ना तो मैं कुछ सीख ही रही हूँ इससे, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को आज ही बता पा रही हूँ इतना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको कुछ सिखा पा रही हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात मुझे यही लगती है कि हम अगर किसी से कुछ नॉलेज दे रहे हैं या फिर हम किसी को दे रहे हैं तो उससे बड़ी चीज और कुछ नहीं हो सकती है। बाकी ऐसी वीडियोज मैं आपके सामने लाती रहूंगी। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।